वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू अवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप प्रीवियस वीडियो जो आपको मैंने भेजा था वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। उसी चीज को हम कंटिन्यू करते हुए स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट एसएस चैप्टर नंबर 2 उसका आज फिफ्थ वीडियो लेकर हम आ रहे हैं। तो उसी वीडियो को हम कंटिन्यू करने से पहले एज यूजुअल आपको टेक्स्ट बुक और फेल बुक अपने साथ ही रखनी है, ठीक है। और जो पीडीएफ मैंने आपको भेजे थे वो आई होप आपने नोट डाउन किए होंगे, साथ साथ में प्रिपेरेशन भी साथ में ही रखना। फिर भी इसमें कुछ डाउट आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे, आइए देखते हैं। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट पॉइंट, आर्ट्स ऑफ डांस। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट है आर्ट ऑफ डांस। डांस को भी एक तरह का आर्ट ही कहा गया है। द वर्ड नृत्य हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल संस्कृत वर्ड नृत्य। जो ये नृत्य वर्ड है यानी कि जो डांस है, डांस को नृत्य बोलते हैं, वो संस्कृत में से नृत्य में से लिया हुआ वर्ड है। नोट डाउन कर सकते हैं आपकी बुक के अंदर। डांस इज वन ऑफ द मीडियम ऑफ रियलाइजिंग। डांस से एक तरह का माध्यम है क्या, तो रियलाइज करना खूबसूरती विद ताल एंड ले, यानी विद रिदम एंड हारमोनी, उसके साथ ताल ले रिदम एंड हारमोनी, फॉर द रियलाइजेशन ऑफ एसेंटिक जॉय, उसकी खूबसूरती समझने के लिए, उसका सौंदर्य समझने के लिए। शिवा, द ओरिजिनेटर ऑफ डांस इज द लॉर्ड ऑफ डांस। अभी शिवा है, शिवा जो भगवान है उनको क्या कहा गया है कि ओरिजिनेटर ऑफ डांस, डांस का ओरिजिनेटर भगवान भी कहा है उनको, लॉर्ड ऑफ डांस। शिवा इज देयरफॉर आल्सो सेड टू बी नटराज, उनको क्या नाम दूसरा कहा गया है, नटराज। ही वाज द फर्स्ट टू ब्रिंग डाउन म्यूजिक फ्रॉम द हेवन टू द अर्थ टू टीच हिज आर्ट ऑफ डांस टू द पीपल। वो पहले ऐसे थे जिन्होंने म्यूजिक को हेवन यानी कि ऊपर स्वर्ग से धरती अर्थ यानी धरती पे लाए टीच करने के लिए, सिखाने के लिए आर्ट ऑफ डांस लोगों को। इंडिया हैज वाइड वैरायटी ऑफ ट्रेडिशनल क्लासिकल डांसेस, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, ओडिसी एंड मणिपुरी, ये सब डांस के टाइप्स है, प्रकार है। ये अलग अलग तरह के डांसेस से जो कल्चर हमारे कल्चर के अंदर ट्रेडिशंस के अंदर किए जाते हैं, तो ये आपको नोट डाउन कर लेंगे उनके टाइप्स। उसके बाद हम डिटेल के अंदर ये टाइप्स देखेंगे कि ये टाइप्स के अंदर किस किस तरह का और कौन से इंडिया के रीजन के अंदर ये डांस है वो किया जाता है। सबसे पहले आता है भरतनाट्यम, ये आप देख सकते हैं आर्ट ऑफ भरतनाट्यम, अपने मूवीज में भी देखा ही होगा किस तरह से ये मेकअप करके ये लोग किस तरह कपड़े पहनते हैं और डांस करते हैं। द ओरिजिन ऑफ भरतनाट्यम इज बिलीव्ड टू बी ए तंजौर डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु, यहां से आईडिया आ गया कि ये कौन से रीजन के अंदर किया जाता है, तमिलनाडु से। देयर आर टू बुक्स, नट्य शास्त्र एंड भरत मुनि हैड अभिनव दर्पण बाय नदिकेश्वर व्हिच आर द ओरिजिनल सोर्स ऑफ भरतनाट्यम, यहां से ओरिजिनल सोर्स से उसकी बुक्स का नाम दिए हुए और कहा गया है कि भरतनाट्यम के ओरिजिनल सोर्सेज है। अपार्ट फ्रॉम अ गोपी कृष्णा एंड मीनन्नी साराभाई, द एक्ट्रेस लाइक वैजयंती माला एंड हेमा मालिनी एक्सेट्रा आर कंसीडर्ड टू बी द प्रिजर्वर्स ऑफ थिंग दिस हेरिटेज। अब यहां पे कुछ नाम दिए गए हैं जिन्होंने काफी डीप और काफी अच्छी तरह से ये डांस को समझा हुआ है। आपने एक्ट्रेस के नाम दोनों सुने होंगे, वैजयंती माला ये भी बॉलीवुड की एक्ट्रेस रह चुके हैं और हेमा मालिनी वो भी, और इनके अलावा एक्सेट्रा भी दिया गया है तो कि और भी एक्ट्रेस है जो इसके अंदर इंक्लूड हो चुके हैं। उसके बाद का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी डांस। दिस स्टाइल डांस वाज क्रिएटेड इन 15th सेंचुरी, कुचिपुड़ी है वो 15th सेंचुरी से चला आ रहा है। इट इज मोस्टली बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शंस ऑफ वुमन्स ब्यूटी, ये क्या करती है किस पे बेस्ड है, तो कि वुमन की ब्यूटी पे, लेडीज की ब्यूटी के ऊपर ये बेस्ड है। डिफरेंट पोज एंड गेस्चर परफॉर्म बाय मेल एंड फीमेल डांसर आर हुए इन द फाउंडेशंस ऑफ दिस डांस, अलग अलग तरह के पोज कौन कौन दोनों को परफॉर्म करना है, मेल एंड फीमेल दोनों के अलग अलग तरह के एक्सप्रेशन ले लो, फेस एक्सप्रेशन ले लो, उनके पोज ले लो, ये इस डांस के साथ मैच करके इसको करना होता है। कुचिपुड़ी इज फेमस इन आंध्र प्रदेश, ये कहां पे फेमस है कुचिपुड़ी पे आंध्र प्रदेश के अंदर, नोट डाउन कर लेना है। गुरु प्रहलाद शर्मा, राजा रेड्डी, शोभा नायडू एक्सेट्रा आर द वेल नोन डांसर हु हैव प्रिजर्व्ड दिस एंशिएंट ट्रेडिशन। इसके बिलोंग किस किस के नाम आए ये भी आपकी नोट बनेगी,
यहाँ से लिखना गुरु प्रहलाद शर्मा से लेकर शोभा नायडू और साथ में एक्सेट्रा भी करना। इनके अलावा भी ये मेन है इसके लिए इनके नाम दे दिए, इनके अलावा और भी नाम है तो हम एक्सेट्रा करके कॉपी डाउन कर लीजिए ये, या तो आपके टेक्स्ट बुक में हाईलाइट कर दीजिए। नेक्स्ट कथकली डांस, दिस स्टाइल ऑफ डांस इज वेरी फेमस इन केरला। अगेन यहाँ जहाँ जो डांस का स्टेट का नाम आता है आप उसको ऐसे आईएमपी नोट के फॉर्म में आपको ले ही लेना है, मैं बताऊ या ना बताऊ आपको लिख लेना है। द वर्ड कथकली हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ड्रामास बेस्ड ऑन एंशिएंट एपिक रामायण एंड महाभारत मिक्स ड्रामा ऑफ संस्कृत एंड मलयालम। अभी रामायण महाभारत जो उन्होंने मिक्स ड्रामा कहा गया है किसका, संस्कृत और मलयालम। द कैरेक्टर ऑफ दिस आर वे ब्यूटीफुल पेंटेड एटायर्स, मतलब उनका जो कॉस्ट्यूम है वो काफी खूबसूरत है। आप चाहे तो गूगल पे सर्च करना कथकली का जो कॉस्ट्यूम है वो आपको वहां पे देखने मिल जाएगा। यहाँ पे फोटो नहीं है तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, अभी आप सर्च कर लेना। वी हैव टू रीड देयर फेस एक्सप्रेशंस टू रिकॉग्नाइज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैरेक्टर, उनके फेस एक्सप्रेशन से उनके कैरेक्टर को आपको रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना होता है इस तरह का डांस होता है ये। द क्राउन दे पुट ऑन इज वेरी आर्टिस्टिक, क्राउन या उनके सर पे एक तरह का ताज होता है वो भी कैसा होता है, वेरी आर्टिस्टिक। द कैरेक्टर परफॉर्म्स इज और मोर डांस विद फेशियल एक्सप्रेशंस एंड पोजेस ऑफ हैंड टू इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर ऑफ थ्रिलर, दे कम इन फ्रंट ऑफ द कर्टन विद द लाइट ऑफ अदर लैंप ओनली। अभी ये जो है उनके फेस और इनके हैंड एक्सप्रेशन से वो अपना कैरेक्टर है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और जब भी वो स्टेज पर आते हैं तो उनके ऊपर कौन सी लाइट होती है, अर्थन लैंप के थ्रू ही आते हैं, अर्थन लैंप की लाइटिंग उनके ऊपर पड़ती है। पोएट ऑफ केरला शिव वल्लथोन फाउंडर ऑफ कलमंडल कथकली, कलमंडलम कृष्णा प्रसाद एंड शिवरमन एक्सेट्रा हैव अर्न अ ग्रेट फेम इन द नेशनल एंड वर्ल्ड। इस वजह से इन लोगों ने इंडिया के अंदर के साथ साथ इंडिया के बाहर भी बहुत सारी तरक्की है, बहुत सारा नाम है वो उन्होंने कमाया। नेक्स्ट है कथक डांस, द लाइन कथन करे सो कथक कवे इज रिलेटेड टू द कथक डांस, ये जो लाइन है वो कथक डांस से बिलोंग करती है। द कथक डांस देयर्स द लाइफ इवेंट्स एंड इंसिडेंट्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ये किससे बिलोंग करता है, तो भगवान लॉर्ड कृष्णा से। इट इज ऑब्जर्व दैट इट हैज डेवलप्ड विद सुंदर भक्ति ऑफ वैष्णव कम्युनिटी, इन दिस टाइप ऑफ डांस डांसर टर्न्स अराउंड ऑन द लेग एंड शो रिफ्लेक्स ऑफ डांस, वुमेन्स आर नैरो ट्राउजर्स एंड फ्रिल यानी कि फ्रॉक अटायर, ये इनका कॉस्ट्यूम रहेगा। दिस टाइप ऑफ डांस हैज बीन केप्ट अलाइव बाय पंडित श्री बिरजू महाराज, सितारा देवी और कुंभी लखिया एक्सेट्रा, ये लोगों के थ्रू अभी भी ये डांस है जो रिप्रेजेंट किया जाता है और जिंदा रखा गया है, मतलब के हमारे कल्चर के अंदर अभी भी इसकी थोड़ी झलक आपको देखने मिल सकती है। ये जो जो डांस आते हैं वो डांस के कॉस्ट्यूम और आपको टाइप देखने हैं तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, आपके पास मोबाइल ऑलरेडी गई आप गूगल में ये सर्च करके आप उनके कॉस्ट्यूम और डांस टाइप्स देख सकते हैं। मणिपुरी डांस, इसकी इमेज आपको दी हुई है यहाँ पर, देखिए उनके कॉस्ट्यूम किस तरह के हैं और किस तरह से सब खड़े हुए आप देख सकते हैं यहाँ पे। The people of Manipur dance on every occasions and festival. हर occasion और festival पे ही किया जाता है। This dance style is chiefly based on Ras Lila and Bal Lila of Sri Krishna. Sri Krishna का Ras Lila और Bal Lila पे based है। Manipuri dance is divided into two types. Note बनाना। Manipuri dance divided two types. Dasya and Tandav. ये उसके two types हैं आपके IIM में note बनेगी ये भी। The plaited green colored petticoat is known as Umi, and the same time silk blouse and the belt are put on around the waist. अब जो plaited green color की petticoat है उसको क्या कहा गया है उनकी लैंग्वेज में, मणिपुरी की लैंग्वेज में कुमिन कहा जाता है, और उसके साथ साथ उनके ब्लाउज और सिल्क ब्लाउज होता है उसके ऊपर बेल्ट और वेस्ट पे बेल्ट बांधा जाता है। गुरु अमोबी सिंह, अतोंगो सिंह, गुरु बिपिन सिन्हा, नायन झवेरी, निर्मल मेहता एक्सेट्रा हैव गेन्ड अ वर्ल्ड वाइड फेम। ये हर एक दिन के अंदर आपको उस डांस से रिलेटेड जो जो लोग हैं जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं उनके नाम आते हैं, इसलिए उसको हाईलाइट करना मत भूलना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जेमेटिक आर्ट,
Presenting संस्कार with entertainment is the unique feature of Indian dramatic art. हमारा जो संस्कार है, हमारा जो कल्चर है, उसको हम ड्रामे के थ्रू, आर्ट के थ्रू, हमारे अंदर जो चीज है उसके थ्रू उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Apart from this, anchor a funny pair of clown entertain our audience. इसके अलावा क्या होता है कि आपने स्टेज प्रोग्राम देखा होगा, उसके अंदर जो जोकर होता है, मजाक करते हैं ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए, बोर ना होने. नाट्य शास्त्र बाय भरत मुनि इज वेल नोन इन द फील्ड ऑफ आर्ट. नाम लिख सकते हैं आप कि वेल नोन आर्ट के अंदर ये मेन थे. कौन थे? तो नाट्य शास्त्र बाय भरत मुनि इज वेल नोन इन द फील्ड ऑफ आर्ट. ड्रामेटिक आर्ट राइटिंग ऑफ ड्रामा एंड परफॉर्म ऑफ ड्रामा अलोंग विद ऑडियंस सॉरी ऑडियो विजुअल एड्स दिस ट्राई ऑफ होल्ड द कैपेसिटी टू एंटरटेन द पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप. अब इसमें क्या होता है कि बहुत सी चीजें हाईटेक होती जाती है, तो वो आपके ऑडियो विजुअल जैसे कि बैकग्राउंड म्यूजिक हो गया, फिर स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ दिखा रहे हैं, तो उसके थ्रू वो ड्रामे के अंदर और जान डाल देंगे, तो लोग हैं उनको और मजा आएगा देखने के और एंटरटेन करेंगे. ड्रामेटिक आर्ट इज एन एमलगेमेशन ऑफ ऑल आर्ट्स. ड्रामेटिक आर्ट से वो हर एक आर्ट का एमलगेमेशन है, मतलब के मिक्सचर है, हर एक आर्ट का मिक्सचर है वो. और उसमें डांस भी आ गया, नाटक भी आ गया, म्यूजिक भी आ गया, कॉमेडी भी आ गया, हर चीज आ गई इसके अंदर. Describing Bharat Muni says there is no book, there is no structure, there is no knowledge, there is no deed which is lacking in dramatic act. इसमें क्या लेकिन ये बात कर रहे हैं कि there is no book, no book कोई ना, there is no structure, किसी तरह का structure नहीं है, there is no knowledge, किसी तरह का knowledge, there is no deed which is lacking in dramatic act. जो क्या है जिसकी कमी दिखती है किसमें, तो क्या dramatic art के अंदर. The first drama of Bharat Muni was देवसुर संग्राम. उनके ड्रामे का नाम दिया हुआ है, हाईलाइट कर देना, देवसुर संग्राम. इन संस्कृत लिटरेचर वी हैव वेरियस वेल रिनोन्ड ड्रामेटिस्ट. भास इज द पोएट ऑफ पोएट अमंग देम. ही हैज बिक्वेटेड अस ड्रामा लाइक करणभर, उरुभंगा, दुत्वाक्या, बेस और महाभारता. यहाँ पे कुछ नाटक के नाम दिए गए हैं, ये नाटक है वो महाभारत के टाइम पे किए गए थे. वेल्स कालिदास द फॉरमोस्ट पोएट गिफ्टेड अस अ प्लेस लाइक. अब कालिदास से उन्होंने हमको कुछ प्ले गिफ्टेड करके इन्होंने खुद अपने हिसाब से बना के जो हमको दी है, अपनी सोच से दी है, लिख कर दी है. कौन से है वो? तो क्या अभिज्ञान शकुंतलम पूरा एक पॉइंट है. अभी नाम मत करना तेरे. कालिदास के थ्रू हमको कौन सा प्ले मिला था? तो क्या अभिज्ञान शकुंतलम. विक्रम और वश्यम एंड मालविका का विक्रम. यहाँ मिस्टेक कर दिए इन्होंने, फुल स्टॉप नहीं है, कोमा कर देना. तीन नाम दिए हुए, तीनों नाम बंद कर देना. अपार्ट फ्रॉम ए बुक मेनी ड्रामेटिक केम एंड इनरिच द ड्रामेटिक आर्ट ऑफ संस्कृत लिटरेचर. बहुत से ड्रामे से ये सब कहाँ से निकले हुए हैं? संस्कृत लिटरेचर. बेसिकली संस्कृत लैंग्वेज से ही हर चीज निकली हुई है. ये लैंग्वेज की जननी है, मदर हम कह सकते हैं. संस्कृत है वो हर एक लैंग्वेज की ऑलमोस्ट मदर हम बोल सकते हैं. सब जो वर्ड्स है वो संस्कृत लिटरेचर के अंदर से ही बनाए गए, निकले हुए हैं. द नेम ऑफ जयाशंकर सुंदरी ये इज फॉरमोस्ट इन द ड्रामेटिक आर्ट ऑफ गुजरात बिसाइड अमृत नायक, बापुल नायक, दीना पाठक, जसवंत ठाकर, उपेंद्र त्रिवेदी, प्रवीण जोशी, दीपक गेवाल एक्सेट्रा रिमार्केबल प्ले राइटर. जो नाटक लिखते हैं वो उनका नाम दिया हुआ है. ये तो फेमस है ही, इनके अलावा और भी बहुत से नाम दिए हुए हैं. देयर इज ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ रीजनल एंड अदर ड्रामा इंस्टीट्यूट इन दिस फील्ड. इसके अलावा भी बहुत से थे जो काफी लोगों ने इस पर अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूट दिया हुआ है ये फील्ड के अंदर. अब एक और चीज आई, एक नई चीज आई, आपने शायद देखी नहीं होगी क्योंकि ये विलेजेस के अंदर काफी होती थी. आपके यहाँ होती होगी तो आपको आइडिया रहेगा इसका. अभी शायद बंद हो गई, आइडिया नहीं है. नाम है हवाई. क्या है हवाई? स्क्रिप्ट राइटर्स हैव सेड दैट हवाई इज इमोशंस ओरिएंटेड ड्रामा. जो लिखने वाले वो क्या कहते थे कि हवाई है वो कैसा है? तो इमोशनल है, एकदम इमोशनल ओरिएंटेड ड्रामा है जिसके अंदर आपको मतलब उड़ा दे, आपको इमोशनल कर दे, ऐसा ड्रामा. It is special dramatic art that started 700 years ago by Asset Thakur. Asset Thakur से ये 700 साल पहले का ये start हो गया. This art which has been providing public education along with entertainment and economical bent
प्रमोट ड्यूरिंग सोलंकी एरा। अब ये एंटरटेनमेंट के साथ साथ एजुकेशन, लोगों को एजुकेशन देने का भी काम ये करते थे, जिससे कि लोगों को पता चले एजुकेशन हो कि भाई मैंने आपको पहले बोला था कि नाटक के साथ साथ आपको उसके बारे में या दूसरी कोई चीज के बारे में आपको नॉलेज दे सकते हैं। अब कैसी नॉलेज, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लेंगे तो दूध पीटी प्रथा है वो नहीं करनी चाहिए, बच्चों को मार डालते थे, फिर सती प्रथा है, मतलब ऐसे जो अंधविश्वास काम जो पहले से हम चले आते हैं जिसको हम मान के फॉलो करते हैं, ऐसे काम ना हो। इसी में भी आपको एजुकेट करने के लिए, उसके बारे में समझाने के लिए, उसके बारे में कि ये करने से क्या लोगों पे असर होता है, ऐसा एजुकेट करते हैं। इट वॉज चीफली परफॉर्म विदाउट कर्टन्स विद लाइट हुमर्स एंड विद द म्यूजिक प्लेइंग ऑन ट्रम्पेट। इट वॉज चीफली परफॉर्म, ये कैसे परफॉर्म होता था तो क्या विदाउट कर्टन्स, बिना कर्टन्स के, विद इसमें क्या था लाइट विद म्यूजिक, जो बीच में म्यूजिक और ट्रम्पेट एक तरह का इक्विपमेंट है उसको बजाने से बजाते थे जब ये प्ले करते थे। तब कैरेक्टर्स डिस्गाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ रामदेव, जंदा जंदा जुनर कजोडा एक्सेट्रा आर द मेन फीचर्स ऑफ हवाई। उनका जो डिस्गाइज मतलब उनके जो कपड़े थे वो पहनने के अंदर, उनके अंदर कल्चर किस उनको किस किस का रोल वो प्ले करते थे तो क्या रामदेव का, चंदा जुगन का, कजोदा एक्सेट्रा आर द मेन फीचर्स ऑफ हवाई, इसके मेन फीचर्स कहा गए। थीम ऑफ हवाई इंक्लूडेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट सोशल वाइसेस। इसकी थीम क्या होती थी कि भाई जो सोशल हमारे समाज के अंदर जो जो गलत चीजें होती है उसको अवेयर करना, लोगों को समझाना, ये मेन थीम रहती है। आगे इन्होंने कहा था कि लोगों को एजुकेशन देना भी इनका मेन मोटो रहता है। द कैरेक्टर्स लाइक रंगना रंगली वॉज यूज टू प्रमोट द प्रोग्राम लाइक गर्ल्स एजुकेशन, सेव द गर्ल चाइल्ड एक्सेट्रा। देखिए आ गया, इनका जो मेन कैरेक्टर है वो है रंगला रंगली, उनके मेन कैरेक्टर है, वो लोगों को प्रमोट करते थे किस चीज के लिए, अवेयर करते थे उनको कैसे गर्ल्स एजुकेशन दो, सेव द गर्ल्स चाइल्ड एक्सेट्रा। मैंने आपको एग्जाम्पल बोला था कि वो लोगों को एजुकेशन के थ्रू, ड्रामे के थ्रू एजुकेट करते थे, अवेयर करते थे। Those who perform this voice play trumpet and pray to the goddess by reciting hymns. अभी जो ये voice perform करते हैं, जो trumpet बजाते थे, वो क्या करते थे? Pray करते थे, God से pray करते थे through अभी कोई भी rites हो गए, कोई भी pray हो गए, उसके through उनसे pray करते थे। Okay students, तो यहाँ voice में हम ending करेंगे। तो I hope आपको ये पॉइंट्स जो हमने आज डिस्कस किया आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। इसके रिलेटेड आपको पीडीएफ है वो मिल जाएंगे, आप पीडीएफ थ्रू आप आपके फेसबुक में नोट डाउन कीजिए और प्रिपरेशन है वहाँ अभी से स्टार्ट रखिए ताकि लास्ट में जब ये बोर्ड की एग्जाम आपकी आए तो आपको किसी तरह का बर्डन ना हो। तो अगर इसके अलावा आपको फिर भी कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। इसका एक और वीडियो हम आपको अपलोड करेंगे जो लास्ट वीडियो रहेगा इस चैप्टर का, ठीक है? फिर आपके ऑलमोस्ट ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा और पीडीएफ की सब मैंने आपको तब तक भेज दूंगा, ठीक है? घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपनी स्टडी है वो कंटिन्यू रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।